हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने जनता की जेब पर डाला डाका। विकास शुल्क में 10 गुना से लेकर 50 गुना तक कर दी बढ़ोतरी। छोटे शहरों में भी 100 गज मकान वाले व्यक्ति को देने होंगे विकास शुल्क के तौर पर कम से कम 1 लाख रुपए। नगर परिषद वाले शहरों में 50 रुपए से बढ़ाकर विकास शुल्क कर दिया सीधा कलेक्ट्रेट का 5वां हिस्सा। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने जनता की जेब पर सीधा डाका डालने का काम कर दिया है। सरकार ने विकास शुल्क सीधा कलेक्ट्रेट के साथ जोड़कर जनता पर भारी बोझ डालने का काम कर दिया है। अभी तक हरियाणा में विकास शुल्क के तौर पर 30 रुपए से लेकर 150 तक ही शुल्क लिया जाता था, लेकिन बीजेपी जेजेपी सरकार इसे सीधा कलेक्ट्रेट का 5वां हिस्सा यानी 20% तक कर दिया है। 18 फरवरी को जारी किए गए इस नए आदेश के अनुसार अब गांव से लेकर महानगर तक के सभी लोगों को इसकी चपेट में ले लिया है और छोटे शहरों में भी 100 गज के विकास शुल्क अब 50 की बजाय अब कलेक्ट्रेट का 5वां हिस्सा देना पड़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे शहरों में जहां अभी तक 50 रुपये प्रति गज विकास शुल्क लगता था, अब वहां 1000 से 2000 प्रत्येक गज के हिसाब से विकास चार्ज लगेगा। बाजारों और प्राइम लोकेशन पर तो ये चार्ज 5 लाख से 20 लाख तक भी पहुंच जाएगा। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के ऊपर भी विकास शुल्क के नाम पर हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने बड़ी चोट मारने का काम किया है। 20,000 रुपए प्रति गज वाले विकास शुल्क को अब सीधा कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से 4,000 गज के तौर पर विकास शुल्क लिया जाएगा, यानी प्रदेश के हर नागरिक को गठबंधन सरकार ने भारी वसूली के दायरे में ला दिया है। इस वसूली से अब गांव भी नहीं बचेंगे। गांव के लाल डोरे के अंदर आने वाले मकानों से भी विकास शुल्क लिया जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि नगर पालिका या नगर निगम में शामिल होने वाले गांव के लोगों से भी नक्शा पास या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेते समय विकास शुल्क लिया जाएगा, चाहे वो मकान 50 से 100 साल पहले ही क्यों ना बनाया गया हो। यानी प्रदेश की गठबंधन सरकार ने लोगों पर बड़ा आर्थिक बोझ लादने का काम किया है। इसे किसी भी तौर पर तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इतना अधिक विकास शुल्क किसी भी तौर पर जायज नहीं है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की जनता में सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश फैलने की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें केएनएन मीडिया के साथ। नमस्कार।